आपका क्वेश्चन नंबर टू है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम आपसे कहती है कि सपोज x माइनस ए किसका फैक्टर है? पी एक्स का। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, इट इज द फैक्टर ऑफ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। आप ऐसा लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि f माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना होगा? a, x माइनस ए। एक्स माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। एंड एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? ए, यही होगा। तो इन दिस केस क्या होना चाहिए? जो पी ए की वैल्यू है इट मस्ट बी जीरो। अगर एक्स माइनस ए पी एक्स किसी पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। तो एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसके इक्वल जीरो लें तो एक्स इज इक्वल टू ए होगा। और पी एक्स के लिए वैल्यू निकाले, मीन्स एक्स की प्लेस पर हम वन ए लिखेंगे, तो पी ए के लिए वैल्यू निकाले वो कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो जो गिवन फैक्टर है ये इस पॉलीनोमियल का क्या होगा? एग्जैक्ट फैक्टर हो जाएगा। तो इसी मेथड को हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास? सो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस वन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं पी माइनस वन के लिए, और ये कैसा होना चाहिए? जीरो। अगर ये जीरो आ रहा है इट मीन्स द गिवन फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। टू एक्स क्यूब है तो टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वेयर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन। यहाँ देखिए अगर नेगेटिव नंबर है और उस पर और पावर है तो आंसर भी कैसा आता है? नेगेटिव आता है। तो टू इंटू माइनस वन ही होगा। अगर नेगेटिव नंबर है और इवन पावर है, ठीक है, तो आपका आंसर पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस वन होगा, क्योंकि वन का स्क्वायर या वन का क्यूब या वन टू द पावर हंड्रेड भी होगा तब भी आंसर आपका वन ही होगा। माइनस इट टू माइनस इट विल बिकम प्लस टू और माइनस वन। तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू और वन कितना हुआ, या फिर प्लस वन और माइनस वन यहाँ से कैंसिल कर लो, प्लस टू हो गया। माइनस टू और प्लस टू एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे? इक्वल वैल्यूज है बट मतलब कैसे हैं, अपोजिट सिंबल है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस करने पर आपको मिल रहा है जीरो, तो ये पी माइनस वन इज जीरो। सो दस इट हैज बीन प्रूव्ड। आप ये भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, इन दिस वे वी कैन से एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ, या जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। डायरेक्ट लिख दो जी एक्स, क्योंकि जी एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन। जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिमिलरली यहां पर देखेंगे एक्स प्लस टू है, सो बाय फैक्टर थ्योरम। देखो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हमने सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये जो इतना पोर्शन है ये आपको पूरे क्वेश्चन में लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? जरूरी नहीं है वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही आए, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है। तो आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ए। इन दिस कंडीशन पी ए मस्ट बी जीरो, तब क्या होना चाहिए? पी ए जीरो होना चाहिए। इतना आप तीनों क्वेश्चन में अप्लाई कर लें। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बाय फैक्टर थ्योरम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस टू। तो पी माइनस टू के लिए हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब है तो ये होगा क्यूब ऑफ माइनस टू प्लस थ्री इंटू स्क्वायर ऑफ माइनस टू प्लस थ्री इंटू माइनस टू। क्लियर है आपको? लास्ट वन इज लेफ्ट तो प्लस वन लिख देंगे। यहां देखिए अगर पावर ऑड है, नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो माइनस लिखेंगे, लेकिन ये वन नहीं है टू है। अब टू का क्यूब है, इट मीन्स टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तीन बार टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस थ्री इंटू नंबर नेगेटिव, पावर पॉजिटिव है, सॉरी पावर पॉजिटिव इट मीन्स पावर इवन है, पॉजिटिव नहीं, नंबर नेगेटिव है, पावर इवन है। अगर सम संख्या आपकी घात में है तो आपका आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव भी आता है, लेकिन टू का स्क्वायर करेंगे तो टू टू जा कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा।
वन के केस में नहीं सोचना पड़ता है क्योंकि वन हमेशा कैसा आता है, एज इट इज ही आ जाता है, बस सिंबल का ध्यान रखना पड़ता है। पर अगर वन के अलावा ठीक है कोई अनदर नंबर यू है, कोई दूसरा नंबर है, तो आपको सिंबल्स का भी ध्यान रखना है और ये भी देखना है कि कितने टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, थ्री टू हो जाएगा सिक्स प्लस वन, यहाँ पे होगा माइनस एट, थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस सिक्स प्लस वन, यहाँ देखिए आप ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इधर होगा आपका फोर प्लस का फोर और सिक्स माइनस वन, तो ये जाएगा आपका माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा फोर में से फाइव जाए, फाइव में से फोर जाएगा लेकिन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा वन। तो p माइनस टू की वैल्यू कितनी आ रही है आपके लिए, वन आ रही है। सो यस p माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एज माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। दस वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, दस वी कैन से कि जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स, वी कैन से जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। लिख लीजिए आप इसे, थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योर ओन, पहले आप खुद से सॉल्व कर लेंगे और आफ्टर दैट यू हैव टू मैच इट फ्रॉम द बोर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स और द वैल्यू ऑफ जी एक्स इज गिवन एज एक्स माइनस थ्री। तो हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ एक्स माइनस वन ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन एक्स इज इक्वल टू ए एंड पी ए मस्ट भी कितना, पी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यही कहती है ना आपके फैक्टर थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हियर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस थ्री। क्लियर है आपको, यहाँ पर जीरो प्लस थ्री होगा, इट विल कम प्लस, इतना तो सीख गए हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लेट वी पुट द वैल्यू ऑफ, इसको हम सॉल्व करते हैं पी थ्री के लिए, अगर हम पी थ्री के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्यूब ऑफ थ्री माइनस फोर इंटू स्क्वेयर ऑफ थ्री प्लस थ्री प्लस सिक्स। चलिए देखिए यहाँ पर थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, तो ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू थ्री थ्री जा नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स 27, 9 4 जा 36, प्लस हो जाएगा 3 और 6 हो गए 9, 27 प्लस 9 भी क्या होगा, इट विल बिकम 36, और 36 माइनस 36 ये देगा आपको 0, दोनों कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नथिंग विल लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 0, किसके लिए, और P3 के लिए। ठीक है, अब अगर 0 है तो इट मीन्स द गिवन वैल्यू इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, तो हम लिख देंगे दस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, दिस इज व्हाट योर आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कीजिए, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एस इन ईच केसेस, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ठीक है, अगर हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो उस पूरे पॉलिनोमियल में तो ये कैसा हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स की वैल्यू हमारे लिए क्या मिल रही है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा प्लस वन हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन हो गया। नाउ बाय फैक्टर थ्योरम P1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम P1 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अगर ये जीरो है तो ये वाला पार्ट भी क्या है, दोनों इक्वल है राइट और लेफ्ट हैंड साइड, तो हम पुट करके वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर ऑफ वन प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, यहाँ स्क्वायर ऑफ वन कितना होगा वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, टू प्लस के इट विल बिकम जीरो, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस टू, दिस इज व्हाट योर आंसर। क्लियर, सिमिलरली आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे
बाय फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन एंड p1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसकी वैल्यू पुट करके रखते हैं, जीरो के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, 2 वन सा 2 प्लस k वन सा k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ k को हम इधर ही रखने देंगे, ये हो जाएगा जीरो प्लस का था तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हो जाएगा माइनस 2 सॉरी। यहाँ पर अब देखते हैं k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, k इज इक्वल टू हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 ठीक है। या इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो, और आप कह सकते हो यहाँ से अगर हम प्लस माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों आंसर्स कैसे हैं, बोथ आर द आंसर्स सेम ठीक है, दोनों ही आंसर सही है आपके की कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हो ठीक है। लिखिए इसे फिर हम थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अभी था आपका पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 तो यहाँ पे देखेंगे आप बाय फैक्टर थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड p1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। सो नाउ पुट द वैल्यू इन द गिवन पॉलीनोमियल तो ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसके लिए k स्क्वायर ऑफ x के प्लेस पर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा k माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 या इसी को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखते हैं और इसी को अगर आपको लिखना है तो आप माइनस सिंबल क्या कर दीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ठीक है। ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं तो बोथ आर द आंसर। यहाँ पे देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू आप फिर से वैसे ही लिखना है, इसकी प्लेस पर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे के एक्स इज इक्वल माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 के इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ पे k प्लस के कितने के हो गए 2k, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2k इज इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस का 3 है इट विल बिकम प्लस 3 सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है तो यू जस्ट नोट इट डाउन।